हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चीज़ समोसा। तो उसके लिए पहले हम समोसे का मसाला रेडी करेंगे। तो हमने आलू लिए हैं, अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, और ये हमने चिली फ्लेक्स लिया है, दो पैकेट हम चिली फ्लेक्स के डालेंगे। तो ये हमने दूसरा पैकेट भी डाल लिया है। अब इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे काट के। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मसाला इसका हम पूरा अच्छे से जो भी हमने डाले हैं मिक्स कर लेंगे इसमें हम। तो मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसका डो लगाएंगे समोसे का, तो इसको हम अलग रख देंगे। तो हमने ये 250 ग्राम मैदा लिया है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो एक चौथाई हमने इसमें नमक डाला है। अब इसमें हम दो बड़े चम्मच रिफाइंड डालेंगे मोया के लिए। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो नमक मोया है तो इसमें अच्छे से मिल जाए। तो आप देख सकते हैं मोया हमें इस तरह से लगाना है, जिससे कि एकदम हलवा जैसे समोसे बनते हैं, एकदम खस्ता बनते हैं। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम पानी डाल के अब इसका एक हमें टाइट डो रेडी करना है, पूरी जैसा। इसे मोया डाला है तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही इसका हमें डो रेडी करना है। तो इसमें हमने आधा गिलास पानी ले लिया है। तो इस तरह से हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो हमने अब ये चीज़ ली है, अब इसके हम छोटे पीस काटेंगे समोसा में डालने के लिए। तो इस तरह से इसके हम क्यूब काट लेंगे। इस तरह से छोटा छोटा हमें क्यूब काटना है। तो हम चेक करेंगे हमारा डो रेडी हुआ है कि नहीं। तो हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे इस तरह से इसके पेड़े बना लेंगे। अब इसको हम बेलेंगे लंबा लंबा सा, जैसे समोसा का आकार देना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें खस्ता बनाना है तो हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। इस तरह से अब इनके हम दो पीस कर देंगे। तो इस तरह से हम पानी लिया है हमने, तो यहाँ पे ऐसे पानी लगाएंगे। इस तरह से इसको हम सील कर देंगे और इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाला हमें थोड़ा ही डालना है इस तरह से। और एक हम चीज़ का क्यूब रख देंगे बीच में, और फिर इसको ऐसा ढक देंगे आलू से। फिर हम यहाँ पे पानी लगाएंगे ऐसा, और इसको इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारे चीज़ समोसा रेडी है। इस तरह से हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया। ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा ही गर्म करना है, और धीमी आंच पे हमें सेकना है। धीमी आंच ही रखी है हमने, और इनको हम धीमी आंच पे ही सारे फ्राई करेंगे एक एक करके। तो आप देख सकते हैं एक साइड से हल्के से सिक गए हैं, और इसको हमें धीमी आंच पे ही सेका है। अब इनको हम पलट देंगे इस तरह से। धीमी आंच पे सेकने से इनमें अच्छा सा कलर भी आता है, और ये अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं। और जो हमने इसमें चीज़ डाली थी तो वो भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इनको हम इस तरह से पलट देंगे और सिकने देंगे। तो हमने ये पलट दिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चीज़ समोसा रेडी हैं, और कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो अब इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो रेडी है हमारा चीज़ समोसा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से।
तो आप लोग जरूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।